हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार बंसल, आपका केमिस्ट्री वाला सर और वाइटरे इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एम्स की क्लोजिंग रैंक्स क्या रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो एम्स का टोटल सीट्स, हर एम्स की टोटल सीट्स क्या है और एम्स की रैंकिंग क्या है, और रिजल्ट आपका आ ही चुका है तो खुश भी होंगे आप। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि क्लोजिंग रैंक क्या है और मुझे कौन से एम्स में एडमिशन लेना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एम्स के एडमिशन होंगे वो ऑल इंडिया कोटा से ही होंगे, ऑल इंडिया कोटा से ही होंगे। और जो पहला आपका एम्स है वो है दिल्ली वाला, 1956 में एस्टैब्लिश्ड, तो इसमें टोटल 107 सीट्स हैं। तो जो पहला आपके पास है वो जनरल कैटेगरी का 51 सीट्स, और जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर दो हैं, ओबीसी में 27 सीट्स हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में एक है, शेड्यूल कास्ट एससी की 15 सीट्स हैं और एससी पीडब्ल्यूडी में एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 7 है, शेड्यूल ट्राइब पीडब्ल्यू में एक सीट है और फॉरन कैंडिडेट्स की 7 सीट्स हैं। टोटल 107 सीट्स हैं और जनरल की 51 है। तो एक बात मैं आपको बताने वाला था वो है जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग था वो 51 पे ही था और 705 नंबर वाले का आपको लास्ट जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली मिला था 705 नंबर पे। 2020 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो बस उसी को आप एक स्टैंडर्ड बना के बैठिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में 215 रैंक क्लोजिंग था और 691 मार्क्स पे आपका एम्स दिल्ली आपको मिला था। ओबीसी उसके अंदर 218 रैंक और 691 मार्क्स, तो 691 मार्क्स दोनों के बराबर ही रहे हैं ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, लेकिन जो रैंक है वो 215 और 218। तो इसके बाद मैं आप चलता हूं जो आपका सेकंड, जो आपका सेकंड नंबर का एम्स है, पहला आपका न्यू दिल्ली वाला, उसके बाद जो सेकंड रैंक पे आ रहा है ना शुरू के जो एम्स है आपके पास, उसमें जो भोपाल है, तो भोपाल का सीन मैं आपको पहले बता दूं फिर मैं आपको भुवनेश्वर बताऊंगा। एम्स भोपाल नंबर टू रैंक पे आ रहा है, तो इसमें जो सीट्स है वो मैं आपको बता दूं कि जस्ट कॉपी पेस्ट है, एम्स न्यू दिल्ली का कॉपी पेस्ट, 51, 2, 27, 1, 15, 1, 7, 1, बस वो फॉरन कैंडिडेट्स की सीट्स उसमें नहीं है, तो वहां 100 सीट्स बनेंगी टोटल, और 51 वही जनरल कैटेगरी की है और ओबीसी की 27 है और एससी की आपके पास 15 सीट्स है और एस टी की शेड्यूल ट्राइब के अंदर आपको 7 सीट मिलने वाली है। ठीक है जी, तो एम्स भोपाल में एक्चुअल में 614 रैंक और 680 नंबर पे बंद हुआ, देखिए 614 रैंक और 680 नंबर पे बंद हुआ, जनरल कैटेगरी बंद हुआ, क्लोजिंग था ये। और ईडब्ल्यूएस में 1724 रैंक पे बंद हुआ, 665 मार्क्स पे सेकंड एम्स है ये। ओबीसी में 1636 रैंक पे बंद हुआ और 665 मार्क्स बंदे के रहे, जिसको एम्स भोपाल मिल गया। अब मैं तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ता हूं जो हमारा भुवनेश्वर है और सीट्स का नंबर 100 है, भोपाल को कॉपी पेस्ट कर ले आप, तीसरी रैंक है एम्स में, भोपाल को कॉपी पेस्ट कर ले आप, बस वहां न्यू दिल्ली को कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि न्यू दिल्ली में 7 सीट्स मैंने आपको बताया फॉरेन कैंडिडेट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जनरल कैटेगरी में 586 और 681 मार्क्स के साथ, तो आप मान के चलें कि मिनिमम मार्क्स आपके 635-40 अगर आपको एम्स में एंट्री करनी है तो आपको चाहिए चाहिए, और 681 तीसरा जो रैंकिंग का आपका एम्स है भुवनेश्वर, तो जनरल 586 रैंक पे और 681 मार्क्स पे बंद हुआ। ईडब्ल्यूएस 2196 रैंक एंड 640 मार्क्स मैंने आपको कहा था, लेकिन इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है और जनरल कैटेगरी में ही आपको 681 मार्क्स पे मिल रहा है। ओबीसी की बात करूं 1394 रैंक और 668 मार्क्स, तो आप थोड़ा सा इसको लिखते भी रहिएगा, साथ साथ में आपकी पीपीटी चल भी रही है इसको भी आप ऑब्जर्व करते रहे। फोर्थ जो आपका एम्स है वो आपके पास है जोधपुर वाला, जिसको एक अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है जी, जोधपुर, तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के 790 आपके पास रैंक रही है और 676 मार्क्स, 676 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1763 रैंक है, 665 मार्क्स है
और ओबीसी के अंदर 1574 रैंक आया है और 666 मार्क्स है, किसके अंदर? ओबीसी के अंदर। तो पांचवा मेरे पास जो एम्स है वो है पटना। तो पहली रैंक किसको मिली? न्यू दिल्ली को। दूसरी किसको मिली? भोपाल को। तीसरी भुवनेश्वर को। चौथा आपके पास जोधपुर है। पांचवें नंबर पे आपके पास पटना है, ठीक है जी। तो चलिए पटना की तरफ बढ़ते हैं जी। ये लीजिए पटना। तो जनरल आपके पास 1984 रैंक, 662 मार्क्स, 1984। ईडब्ल्यूएस 3116 रैंक, 655 मार्क्स है आपके। तो आप जनरल कैटेगरी से पटना जाना चाहते हैं, 662 मार्क्स आपके 2020 के अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस कर लीजिए 4-5 नंबर आप, तो होने चाहिए। ओबीसी में 3122 और मार्क्स आपके होने चाहिए 655, मार्क्स आपके होने चाहिए 655। तो ये पटना का मैंने जिक्र किया आपसे, पांचवा नंबर। और छठे नंबर पे चलते हैं जी, वो है आपका रायपुर, ठीक है जी। देखिए आपके पास यहां से ये रायपुर है, तो रायपुर में आपके पास 666 मार्क्स होने पर 1593 रैंक, 1593 रैंक अगर आपकी है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्लस माइनस 3-4 नंबर के साथ आप एम्स रायपुर, एम्स रायपुर को मैं छठे नंबर पे रख रहा हूं, ठीक है जी, जो रैंकिंग इसकी है। और ईडब्ल्यूएस 3611 रैंक और 651 मार्क्स, और ओबीसी में 2729 रैंक और 656 मार्क्स के साथ आपने ओबीसी कैटेगरी में एम्स रायपुर को पकड़ा है। चलिए थोड़ा ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं, जो सातवीं रैंक पे आ रहा है, जो सातवीं रैंक पे। तो न्यू दिल्ली मैंने कवर किया, भोपाल मैंने कवर किया, भुवनेश्वर मैंने कवर किया, जोधपुर मैंने कवर किया, पटना मैंने कवर किया, रायपुर मैंने कवर किया, ऋषिकेश में आपके सामने अब कवर कर रहा हूं, ऋषिकेश में अब आपके सामने कवर कर रहा हूं। नाउ जनरल कैटेगरी में 1366, ठीक है जी, और 669 मार्क्स के साथ। ईडब्ल्यूएस 2521 रैंक है और 660 मार्क्स है। और ओबीसी में देखिए 669 जनरल में, 660 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 661 मार्क्स के साथ आप ऋषिकेश में प्लस माइनस 3-4 नंबर के साथ एंट्री कर सकते हैं। 2020 की मैं आपको क्लोजिंग रैंक्स बता रहा हूं, इससे ऊपर है तो बल्ले बल्ले, इससे ऊपर है तो बल्ले बल्ले, तो आपकी एंट्री फिक्स है। चलिए अब हम उन पे चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 23 है और 2025 तक माना जा रहा है कि ये 20 के 23 जो एम्स है वो वर्किंग हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम शुरू से देखते हैं एक बार, हमने क्या क्या कवर कर लिया। एम्स दिल्ली हमने कवर कर लिया, भुवनेश्वर हमने कवर कर लिया, भोपाल हमने कवर कर लिया, जोधपुर हमने कवर कर लिया, ऋषिकेश हमने कवर कर लिया, रायपुर मैंने आपको रैंक दी थी रायपुर की 6, ये मैंने कवर कर लिया, और पटना की रैंक हमने रखी थी 5वीं, ये हमने कवर कर लिया। नागपुर अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। नागपुर महाराष्ट्र जनरल 2627 रैंक और 657 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 3963 क्लोजिंग रैंक से, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 650 मार्क्स, और ओबीसी में 3816 रैंक एंड 650 मार्क्स पे आप एंड एम्स नागपुर कवर कर चुके हो। एम्स राजकोट की बात कर ले, ये 5006 रैंक और 645 मार्क्स। तो देखिए अगर आप एम्स जाना चाहते हैं तो एम्स राजकोट में एंट्री कर सकते हैं। 5006 रैंक पे क्लोजिंग था और 645 मार्क्स पिछली बार थे। तो एक वीडियो मैं और बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास 2021 में 5006 रैंक या 6048 रैंक या 6867 रैंक्स और पैरल में नंबर कितने, और मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेट ये आसपास में ही रहा है 2020 का और 2021 का जो आपका रिजल्ट और रैंकिंग और नंबर है वो अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे ही दूंगा। तो आपने देख लिया कि जनरल 5006 रैंक पे 645 मार्क्स के साथ क्लोजिंग था एम्स राजकोट का। ये एम्स बीबी नगर चले तेलंगाना में, ठीक है जी। तो तेलंगाना, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स, भोपाल की सीट्स, भुवनेश्वर की सीट्स, ठीक है जी, ये एक दूसरे के साथ में मैच कर रही है। पटना की सीट्स मैच कर रही है, ठीक है जी, रायपुर की सीट्स मैच कर रही है और ऋषिकेश की सीट्स, शुरू के जो सात मैंने एम्स बताए ना, इनकी सीट्स मैच कर रही है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली हुआ, भोपाल हुआ, भुवनेश्वर हुआ, और इधर से आपका जोधपुर हुआ, पटना हुआ, रायपुर हुआ और ऋषिकेश हुआ, ठीक है जी। और अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि नागपुर हुआ, यहां भी सेम कॉपी पेस्ट ही है, और इधर से मैं चलूं तो बठिंडा,
बठिंडा, बठिंडा की सीट्स जो है वो गोरखपुर की सीट से मैच कर रही है, कल्याणी की सीट से मैच कर रही है, रायबरेली अप्रोक्सीमेट एक दो प्लस माइनस करके मैच कर रही है, देवगढ़ से मैच कर रही है, और ये तेलंगाना जो बीबी नगर मैंने आपके आपके सामने रखा हुआ है इससे मैच कर रही है। यहाँ जस्ट यू मान के चले कि 50% सीट्स हैं जनरल, जैसे न्यू दिल्ली भोपाल भुवनेश्वर में 51 है तो यहाँ जनरल की 24 सीट्स हैं, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट हाफ मान के चले आप। जनरल 3895 पे बंद हुआ 650 मार्क्स के साथ तेलंगाना में, और EWS 6498 635 नंबर, तो अगर आप तेलंगाना जा सकते तो ऑल इंडिया कोटा से आप EWS कैटेगरी में है 635 मार्क्स है तो आपकी एंट्री बीबी नगर तेलंगाना में एम्स में हो जानी है। चलिए मंगलगिरी चलते हैं जी, अब वही 650 नंबर 376369 और 637 EWS में 6218 रैंक, 640 नंबर 5831, ये क्लोजिंग रैंक्स हैं, इसमें बंद हुई थी आपकी, ठीक है। बठिंडा चलते हैं जी, पंजाब में 600 652 मार्क्स हैं आपके, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 3424 रैंक थी अगर आपकी, तो आप बठिंडा में एंट्री कर सकते हैं, और बठिंडा की सीट्स मैंने आपको बताई हैं, जनरल की 24 है और जनरल पीडब्ल्यूडी में 2 है, ओबीसी में आपकी 14 है 14, तो ओबीसी में आप चेक करें 643 मार्क्स के साथ में आपको 5247 रैंक पे क्लोज हुआ था बठिंडा में, और उसके बाद ओबीसी में पीडब्ल्यूडी है, शेड्यूल कास्ट की एससी की 8 सीट्स है और शेड्यूल ट्राइब की आपके पास 4 सीट है, और शेड्यूल कास्ट पीडब्ल्यूडी का और शेड्यूल ट्राइब पीडब्ल्यूडी का कोटा वहां नहीं है, 0-0 है और फॉरन एंट्री कुछ नहीं हो रही है वहां। तो इसके बाद जी एंट्री करते हैं हम लोग रायबरेली की तरफ, तो जो रायबरेली आपके पास है इसकी सीट्स 26-1-13-1-7-0-4-0 है, 26 मतलब बठिंडा में जैसे 24 थी ना जनरल की, तो रायबरेली में 26 सीट्स है और ये बंद हुई है 5220 पे और 643 मार्क्स थे रायबरेली में बच्चे के, तो उसको क्लोज हुआ था एम्स, उसको मिल गया था रायबरेली, और ईडब्ल्यूएस में 6280 और रैंक 638 मार्क्स के साथ 6280 रही है। ओबीसी जिसकी रायबरेली में आपके पास 1-2-3-13 सीट्स हैं ओबीसी की, और उधर चले हम लोग तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आपको आई गई है 6280 638 मार्क्स। चलिए जी यूपी चलते हैं, गोरखपुर योगी जी का इलाका, जनरल 5031 पे, और गोरखपुर मैंने आपको बताया सीट्स का नंबर बठिंडा के बराबर ही है, और 644 मार्क्स के साथ 5031 पे बंद हुई, 640 नंबरों के साथ में ईडब्ल्यूएस 5804 पे बंद हुई, ओबीसी 636 नंबर के साथ 637 मार्क्स के साथ 6504 पे बंद हुई, और ओबीसी की सीट्स मैंने आपको बताई है गोरखपुर के अंदर बठिंडा जितनी ही है वो है आपके पास 14 सीट्स, ठीक है जी, कॉपी पेस्ट है। कल्याणी की तरफ बढ़ते हैं, जनरल रैंक और मार्क्स है 5902 और 7114 7709, तो आप जहां इंटरेस्टेड हो, शुरू के साथ में इंटरेस्टेड हो तो अपने नंबरों को मैच करवा लो, और आपको लगता है कि प्लस माइनस 5 चल रहा है तो आपको ट्रायल जरूर करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से आपका सिलेक्शन एम्स में होएगा, आपका सिलेक्शन एम्स में होएगा, ठीक है जी, और अप्रोक्सीमेट 15 अभी वर्किंग है और 6-7 आपको 2025 तक एग्जैक्टली मिल जाएंगे, उन पे डेवलपमेंट चल रहा है। एम्स बिलासपुर की तरफ बढ़े, तो आप इंटरेस्टेड हो अगर बिलासपुर में, तो इसकी सीट्स भी आपके पास अप्रोक्सीमेट इन्हीं से मैच कर रही है, ऋषिकेश बठिंडा गोरखपुर रायबरेली, जनरल 5949 पे बंद हुआ 640 नंबरों के साथ, ईडब्ल्यूएस 7376 पे बंद हुआ 634 नंबरों के साथ, ओबीसी 7286 पे बंद हुआ और 635 नंबर, एक नंबर का डिफरेंस है, रैंक का अप्रोक्सीमेट 100 का डिफरेंस आ रहा है। देवगढ़ झारखंड की तरफ बढ़ते हैं, यहां 636 नंबरों के साथ, और ये देवगढ़ में जो आपको देवगढ़ में जो आपको सीट्स मिल रही हैं वो अप्रोक्सीमेट रायबरेली की जितनी मिल रही है, तेलंगाना कल्याणी बठिंडा सब जगह एक जैसी सीट्स है, 6783 रैंक और 636 नंबर। अब देखिए सीन देखें, जनरल में 636 640 640 644 643 652 बठिंडा में ठीक रहा है 652, मंगलगिरी 650 तेलंगाना 650 राजकोट 645, तो जनरल कैटेगरी में 635 से 650 के बीच बीच में दुनिया घूम रही है, और बिलासपुर झार खंड देवगढ़ में ये सीन बना, ईडब्ल्यूएस में तो 632 नंबर पे मिल गया और ओबीसी में 633 पे मिल गया, तो ओबीसी का सीन और ईडब्ल्यूएस देखना 632-33 ये देखिए आप 632-633 34-35 35-32 40-37 38-37 45-43
37-40, 35-40, 40-36, 50-50, 55-55, 51-56, ठीक है, 60-61, 65-66, भोपाल में 65-65 और 640-668, ये थोड़ा सा मामला यहाँ 28 मार्क्स का गैप रहा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, या 691-691, और ये एम्स दिल्ली का सीन था। तो कुल मिलाकर आपके पास एक ओवरऑल, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ऊपर ऊपर से आइडिया है, आपको डेफ्थ आइडिया मैंने दे दिया है कि झारखंड पहुंचना आपने या आपने दिल्ली पकड़ना है, तो सभी आपको इजिली इस स्केल पे 2021 के रिजल्ट पे मिल जाएंगे, 2021 के रिजल्ट पे मिल जाएंगे। और सीट्स मैंने आपको बता देंगे, एम्स भोपाल, दिल्ली, भुवनेश्वर क्लियर, और जोधपुर, नागपुर, पटना, और हमारा ऋषिकेश और रायपुर, इनमें सीट्स 51-50 के आसपास ही चल रही है, 100-100 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेट सभी कैंडिडेट को अगर हम कवर कर लें तो। ठीक है जी, तो एक आइडिया आपके सामने आ गया, और एक दूसरा वीडियो में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पर, और एक और बता रहा हूं कि पहली जो लिस्ट निकली और दूसरी जो लिस्ट निकली, फिर मोपअप राउंड वन हुआ, फिर टू हुआ, उनमें क्या क्या डेटा आए वो भी मैं एज सुन एज पॉसिबल अपने जो चैनल है उस पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, लाइक करें, क्लियर है, और लाइक अगर नहीं कर सकते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको मैंने डिलीवर की है, ये आपके बड़ी काम आएगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, और अच्छी तरह से अपने काम को करते रहिए, कोशिश करें 600 से ऊपर नंबर आप लेकर चले अगर आप MBBS की सीट इजीली लेना चाहते हैं तो सारी चीजें मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। मेरे अगली वीडियो का इंतजार करें और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो इमीडिएटली आपके पास वो पहुंच जाए, इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, मैं मनोज कुमार बंसल आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू।